अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D ब्लेंडर बिगिनर क्लास 6 में आप सबको खुशामदीद। पिछली क्लास में हमने सीखा था यूवी मैपिंग किस तरह की जाती है मैश पे। विदाउट यूवी मैपिंग आप कोई भी इमेज टेक्चर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे भी तो वो सही से टेक्चर बैठेगा नहीं। और प्रोसीजरल टेक्चरिंग हो या हाथ की टेक्सचरिंग हो, उसके लिए यूवी मैप होना ज़रूरी है, ताकि जब आप इमेजेस को एक्सपोर्ट करें तो वो आपकी यूवीज को लेके यूज़ करके इमेज प्रोजेक्ट कर सके। तो आपने अगर मेरी यूवी मैपिंग की क्लास नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि वो क्लास आप देखें। इससे पिछले वाला पार्ट था और उस पार्ट में मैंने यहाँ पर ये यूवी मैपिंग की है। सो लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम टेक्स्चर पेंटिंग करेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले टेक्स्चर पेंटिंग के लिए एक अलग-अलग पोर्शन दिया हुआ होता है टेक्स्चर पेंट का। इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे तमाम आपका वर्क स्पेस आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप टेक्स्चरिंग कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की टेक्स्चरिंग कर सकते हैं, उसके टूल्स दिए हुए हैं, अलग अलग टेक्स्चर यूज़ कर सकते हैं, अल्फा मैप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक टेक्स्चर बनाएंगे और इसी टेक्स्चर को यूज़ करके रेंडर करेंगे, ठीक है ना। टेक्स्चर को क्रिएट करने के लिए ये न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ब्लेंडर पे अच्छी बात ये है कि कैलकुलेटर हर जगह दिया हुआ होता है। तो ये टेक्स्चर का साइज़ अगर ये 1024 है तो इसे आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके एंटर करेंगे तो ये इसका डबल हो जाएगा 2048। तो ये कैलकुलेटर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 2 के रेजोल्यूशन यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे इसको टेक्स्चर का नाम दे दूँगा बैट, ठीक है। और यहाँ पे बैट का कलर ब्राउनिश दे दूँगा इसको, ताकि हल्का सा ब्राउनिश, ताकि बैट की तरह ये लगे, ठीक है। और इसे ओके कर देंगे। यहाँ पे हमने टेक्सचर क्रिएट कर दिया है, लेकिन इस टेक्सचर सेक्शन के अंदर हमें ये बताना है कि यहाँ पे सॉलिड व्यू के अंदर व्यू पोर्ट के तौर पे इस टेक्सचर को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे वर्क स्पेस पे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर करेंगे और मटेरियल पे क्लिक करके हम सिंगल इमेज पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टेक्सचर बनाया ये सामने आ जाएगा। और इसे क्लिक कर देंगे तो ये व्यू पोर्ट के अंदर यहाँ पे इसका डिस्प्ले आ जाएगा। अब इस पर कुछ स्टिकर्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। आप नीचे फाइल डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कीजिए। और फाइल्स के अंदर 2 इमेजेस होंगे, एक अल्फा की और एक लोगो की। याद रखिए कि ये जो तस्वीर है वो एक ट्रांसपेरेंट PNG इमेजेस है। तो यहाँ पे आप कोई भी अगर स्टिकर यूज़ करें तो आपकी आसानी के लिए उसे ट्रांसपेरेंट करके यूज़ करें। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर लें, फोटोशॉप या एनी अदर। तो ये स्टिकर PNG इमेज है और ट्रांसपेरेंट इमेज है। तो टेक्स्चर को यूज़ करने के लिए टेक्स्चर स्लॉट्स में हमें टेक्स्चर को ऐड करना है। ये तो वर्क स्पेस है, ठीक है ना, टेक्स्चर पेंट का। इसके अलावा यहाँ पे सबसे आखिरी कॉर्नर पे टेक्स्चर प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप टेक्स्चर स्लॉट यूज़ कर सकते हैं। आप इसे न्यू पे क्लिक कीजिए और इमेज और मूवी न्यू पे यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे ये वाली फाइल ओपन कर दीजिए। तो एज अ टेक्स्चर स्लॉट के अंदर ये वाली फाइल यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे स्टेंसिल यूज़ करके इसको इस पर छपाई करनी है। तो हम इस पर वापस वर्क स्पेस पर जाएंगे और जहाँ पे हमने टेक्स्चर ऐड किया था तो यहाँ पे भी इसका एक ऑप्शन आता है। अगर हमने यहाँ पे ऐड किया था टेक्स्चर तो यहाँ पे भी सामने आपके आ जाएगा। और मैपिंग ऑप्शन को टिल्ड क्लिक करके आप इसे स्टेंसिल पे क्लिक कर देंगे और जब स्टेंसिल पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे स्टेंसिल विजिबल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब गौर से सुनिए कि कंट्रोल और राइट माउस बटन से आप इसे रोटेट कर सकते हैं और शिफ्ट राइट माउस बटन से इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि स्टेंसिल यूज़ करने के बाद ये ओरिजिनल इमेज एक्सपेक्ट यूज़ नहीं करता। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये इमेज एक्सपेक्ट जो ओरिजिनल इमेज का वो सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको बैट की किस साइड पे आपको ये स्टेंसिल यूज़ करना है। मुझे इस साइड पे यूज़ करना है तो मैं इस व्यू पर यूज़ कर लूँगा। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्क्रीन कास्ट यूज़ कर लूँगा, ठीक है, ताकि जो भी लिखूँ यहाँ पे आपके सामने आ जाए।
टेक्सचर पेंट पर चले जाइए और यहाँ पर राइट माउस बटन से आप इसे मूव कर सकते हैं, राइट कंट्रोल से इसे रोटेट कर सकते हैं और शिफ्ट राइट से इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका यहाँ पे कितना बड़ा आपको स्टिकर रखना है। यहाँ पे केयरफुली आप इसको पूरा सेट कर दीजिए, ठीक है। सेट करने के बाद अगर जो आपको सही लगे पोजीशन उसे आप रहने दीजिए और यहाँ पे स्ट्रेन को आप 100 कर दीजिए ताकि एक ही स्ट्रोक पे ये पूरा छप जाए और जस्ट यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और ये यहाँ पे स्टेंसिल छपता जाएगा। देख रहे हैं नाज़रीन के यहाँ पे छापने के साथ साथ यहाँ पे भी छप रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इस पूरे बेड को यूवी मैप किया था और यूवी मैप इस चीज़ में इस्तेमाल होता है। अब इसे राउंड करेंगे, इसे रोटेट करेंगे और यहाँ पे इस एंगल पे जाके मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये यूज़ करके थोड़ा सा इसके ऊपर और यहाँ पे इस पर और छपाई कर देंगे, ठीक है। साइडों पे मर्जी आपके बेड में होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये एथलीट का यहाँ पे सिग्नेचर नज़र आए, ठीक है। केयरफुल यहाँ पे आप किसी और चीज़ पे छपाई आप ना कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप इस पर केयरफुली ध्यान से रख के इसको छाप सकते हैं। टेक्सचर ऊपर नीचे और पोजीशन पे प्रॉपर ना हो तो इसका आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं यहाँ पे क्लास के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने एक टेक्सचर कर दिया है पूरे बेड को, ठीक है ना। लेकिन ये सॉलिड व्यू पे यहाँ पे है, ठीक है ना। इस पर अगर हम मटेरियल मोड पे करेंगे या रेंडर पे करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ईवी सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा, क्यों? सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लाइटनिंग को डिसेबल किया हुआ है, यहाँ पे लाइटनिंग ऑन करने के बाद ये टेक्सचर यूज़ नहीं हुआ हुआ, क्यों? क्योंकि हमने ये ब्लेंडर के अंदर टेक्सचर बनाया है लेकिन इस टेक्सचर को हमने यूज़ नहीं किया प्रॉपर शेडिंग के अंदर, ठीक है ना। तो शेडिंग पे आएंगे और इसी तरह आपको मटेरियल दे के, जिस तरह हमने एक्सटर्नल टेक्सचर यूज़ किया था, आप इसे न्यू कर दीजिए, इसके टेक्सचर का नाम बेड रख दीजिए और यहाँ पे आप इमेज टेक्सचर यूज़ कीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो टेक्सचर हमने बनाया है वो ओपन कर दीजिए और कलर टू यहाँ पे बेस कलर कर दीजिए, तो यहाँ पे रेंडर पे भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्यू पोर्ट के अंदर ब्लेंडर के बना बनाया यहाँ पे टेक्सचर पेंट आ रहा था, ठीक है, टेक्सचर पेंट की स्लॉट के अंदर। ये इससे रेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है, रेंडर के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर इसको टेक्सचर ऐड करके इसको प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा। अब नाजरीन यहाँ पे टेक्सचर नज़र तो आ रहा है लेकिन ये प्लास्टिक की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई बम्पीनेस नहीं है और वुड के अंदर स्क्रैचेस होते ये नहीं है। तो मैंने एक तस्वीर निकाली है, डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और आप अगर डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल साथ में होगी। यहाँ पे अल्फा इमेजेस को सबसे पहले तो यहाँ पे इमेज टेक्सचर यूज़ कीजिए, इमेज टेक्सचर ऐड कीजिए और यहाँ पे ओपन कर दीजिए और जो हमारी क्लास है, जो हमारी फोल्डर है, उसके अंदर ही अल्फा की फाइल होगी, इसे क्लिक करके ओपन कर दीजिए। तो ये वुड का टेक्सचर ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे सामने आ जाएगा। मेक श्योर के यहाँ पे कलर स्पेस पे नॉन कलर डेटा कर दीजिए ताकि ये सिर्फ है ना वाइट एंड ब्लैक इन्फॉर्मेशन रीड करें, कलर इसका रीड नहीं करें। और कलर टू यहाँ पे रफनेस पे ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ये वही इमेजेस यहाँ पे रफनेस के तौर पे आ गई है। तो मेक श्योर के यहाँ पे आपका नॉट रेंगुलर एड ऑन ऑन हो, ठीक है ना। आप एड ऑन पे जाइए और यहाँ पे नॉट रेंगुलर जो बिल्टन है ब्लेंडर का वो ऑन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नॉट रेंगुलर ऑन हो जाएगा तो कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइए, कंट्रोल टी दबाइए इसको सेलेक्ट करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिक मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऐड कर देगा। अब यहाँ पे स्केल पे जो है आप होल्ड करके ड्रैग करके तीनों को अब बढ़ा दीजिए, एक्स वाई एंड जी एक्सेस। तो ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और इसकी बेस्ट सेटिंग जो मुझे लगी है वो 5.9 लगी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू आ रहा है,
वो ये कि इस पे हमें रफनेस ऐड करनी है, कुछ शाइन करे और कुछ नहीं शाइन करे, ठीक है ना। इसके लिए हम कलर रैम्प यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। कलर रैम्प मैंने आपको बताया था, और कलर रैम्प से आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी साइड ग्लो शाइन करे और कौन सी रफ रहे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसकी सेटिंग को कुछ प्ले करेंगे, और यहाँ पे इन टेक्सचर के टेक्सचर पे यूज़ हो रहा है ये शाइन का टेक्सचर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे इन्वर्ट नोड ऐड कर दीजिए, इन्वर्ट का नोड, और ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका फैक्टर है, इसे कम कर दीजिए और इसे 7.8 तक कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लग रहा है कि है ना बेड आपका कुछ शाइन कर रहा है, और जहाँ जहाँ ये स्क्रैचेस हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ये शाइन नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब इन्हीं सेटिंग्स को आप, इसी इमेजेस को आप कॉपी कर दीजिए, इन दो चीज़, इन तीनों मैपिंग सिस्टम को, और शिफ्ट डी कर दीजिए। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी जो नोड रीड कर रहा है आपके अल्फा टेक्सचर को, इसे बम के तौर पे भी यूज़ करें। तो आपने जब शिफ्ट डी से कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे आप शिफ्ट ए दबा के बम सर्च करेंगे, और यहाँ पर ऐड कर दीजिए, और कलर टू हाइट पे और नॉर्मल टू नॉर्मल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई है, और इसे कम करके बिल्कुल इसको कम कर दीजिए, लाइक 0.2 या 0.5 करके देख लेते हैं। ये 0.5 भी हाई है, 0.03 करके देख लेते हैं, और ये कुछ बेहतर लग रहा है। तो ये लकड़ी की तरह शेप आ गया नाज़रीन बेड के अंदर, आप देख सक रहे हैं ईवी के अंदर। तो इसे आप साइकिल पे भी चेंज कर सकते हैं, और साइकिल पे आप, यहाँ पे साइकिल पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये लकड़ी का यहाँ पे एक पूरा शेप आ गया है, ठीक है ना, लकड़ी नुमाया लग रहा है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप ये सारी फाइल डाउनलोड कर दीजिए और मेरे स्टेप्स रिपीट कर दीजिए। ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, मैंने आपको अपनी नोट की क्लास के अंदर आपको बताया था कि वाइट मीन्स 0 और वाइट मीन्स 1 और ब्लैक मीन्स 0 हमेशा। तो आप हमेशा याद रखिए ये चीज़, ताकि ब्लैक एंड वाइट इमेजेस आप बहुत यूज़ करेंगे अपने वर्कफ्लो के अंदर, ठीक है नाजरीन। तो यहाँ पे बेड तो हो गया, अब ये स्टिकर रह गया है, ठीक है ना, ये इसका रबर या हैंडल, ठीक है ना। तो इस पर भी हम मटेरियल ये दिया हुआ है, इस पर हम रेड कर देंगे, ठीक है ना, इसको जो इसका मेन कलर है, ठीक है ना, थोड़ा इसकी डार्क स्टोन कर देंगे, ठीक है। अब इसके रफनेस मैप के अंदर नॉइस टेक्सचर ऐड कर देंगे, ठीक है ना, नॉइस टेक्सचर, ठीक है, और कलर टू फैक्टर टू रफनेस पे इस पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेट रोगुलर जब आपका ऑन होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ये दबा दीजिए, और सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और इसे कंट्रोल शिफ्ट क्लिक दबा दीजिए, और यहाँ पे नोट रेंगुलर बहुत ज़रूरी है ऐड ऑन होना, ठीक है ना। नोट रेंगुलर का ये फीचर है, आप इसे ऐड करने के बाद आप इस पे कंट्रोल टी दबाइए, और इसका इसी तरह मैपिंग इसका ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नोट रेंगुलर बहुत हैंडी है, ठीक है। और इसका स्केल भी हम चेंज करेंगे, बल्कि इसको इसका स्केल चेंज करने के लिए मैं इसमें मैपिंग नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ओवरकिल हो जाएगा। यहाँ से इसको हम स्केल कर देंगे, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये एक तरह से यहाँ पे रफनेस ऐड हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश के छींटे हैं, हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के हम कलर रैंप को ऐड करेंगे और इस पे ऐड करेंगे। तो वैल्यू आपको ध्यान से, मैंने आपको बताई थी कि ब्लैक मीन्स हमेशा 0 और वाइट मीन्स हमेशा 1, मीन्स के वाइट रफनेस 1 है ज़्यादा, नो शाइन, ब्लैक मीन्स 0 बहुत ज़्यादा शाइन, ठीक है ना।
तो हम चाह रहे हैं कि ब्लैक जो हिस्सा है वो हम इसे वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये शाइन होना थोड़ा कम कर देगा, ठीक है ना। तो ये एक रबड़ी फील में बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोसीजरल नोड्स ऐड करके यहाँ पे एक रबड़ी रबर के तौर पे इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, और इसको मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा और वाइट करूँगा ताकि ये झले ना, ठीक है ना। तो ये रबर का मैंने पीस ऐड कर दिया यहाँ पे। अगर इसे हम डिसेबल कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये एक सिर्फ कार्टून की तरह या प्रॉपर PBR रेंडरिंग नहीं होगा, ठीक है ना, फोटो बेस्ड रियलिस्टिक रेंडरिंग, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजरल नोड्स ऐड करके आप इस पर कुछ अमाउंट का रियलिज्म ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक रबर का फील यहाँ पे दे दिया है हमारी रबर के इस हैंडल को, ठीक है ना। और इसके अलावा ये सिर्फ हैंडल रही है, ठीक है ना। और इस हैंडल को क्लिक करके देखते हैं कि इसका हम बेड का टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। दैट्स इट, बेड का टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सही से यूज़ नहीं हो रहा। ये जो हमने यहाँ पे जो स्टेंसिल यूज़ किया हुआ है वही सामने आ रहा है, तो हम नहीं चाह रहे। तो इसका एक तरीका ये है कि इसको नया टेक्सचर दे दीजिए, और इसका जो बेस कलर है वो मैच होना चाहिए इससे। तो देखते हैं कि ये प्रॉपर मैच हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा डार्क कर दीजिए इसको, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये अभी भी नहीं हो रहा मैच। तो इसका एक तरीका ये है कि यहाँ पे एक और सेक्शन आप ओपन करेंगे, ठीक है ना। माउस को जैसे ये एरो आ जाए, इसको माउस को ड्रैग करके आप ओपन कर देंगे, ठीक है ना। ब्लेंडर क्लास वन अगर आप देखेंगे तो मैंने ये सब फीचर बताया है। यहाँ पे हम विपोर्ट को चेंज कर सकते हैं, और इमेज एडिटर पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इमेज एडिटर पे क्लिक करके जो हमने बेड का टेक्सचर बनाया है उसे मैं ओपन करूँगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कलर इसका आ गया विदाउट एनी लाइटनिंग, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग आ रही है तो इसका सही से कलर पिक नहीं कर पा रहा। अब इस पर बेस कलर करेंगे और कलर पिकर यूज़ करेंगे और ये वाला कलर दे देंगे। तो नाजरीन, जो इस बेड का कलर था वो ही इस पर कलर होके सामने आ गया है, ठीक है। तो फिर से राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देंगे, और लेआउट पे आके हम इस पर रेंडर पे देखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ को वर्ल्ड ओपेसिटी को राइज करके ये ब्लर ब्लर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मटेरियल मोड है, ठीक है ना, रिपोर्ट शेडिंग का जो मटेरियल प्रीव्यू मोड है, ये एक आपको प्रीव्यू के तौर पे बहुत अच्छी तरह आपको बता देता है कि आपका जो मैश है टेक्सचर के साथ किस तरह किस एनवायरनमेंट पे लगेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप HDRI एनवायरनमेंट को चेंज भी करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन अगर आपको इसके अंदर ऐड करना हो HDRI एनवायरनमेंट, तो इसकी क्लास में आगे लेके आऊँगा। ये शेडिंग पे जाके वर्ल्ड पे क्लिक करने के वर्ल्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे HDRI हेवन का नोड यूज़ करना होगा, लेकिन ये मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, आगे की क्लासेस के अंदर। तो इस क्लास का जो हमारा मेन मकसद था वो बेड को टेक्सचर करना, और यहाँ पे खूबसूरत तरीके से बेड को हमने टेक्सचर कर दिया है। और अगली क्लास के अंदर हम मज़ीद डेल्व इन करेंगे, पिच बनाएंगे, स्टम्प्स बनाएंगे, और एंड में थोड़ी बहुत एनिमेशन सीखेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेड बनाइए। और इसी तरह आप किसी भी PNG ट्रांसपेरेंट को यूज़ करके आप किसी भी मैश के अंदर सिर्फ बेड नहीं, आप इस तरह से आप स्टेंसिल ऐड कर सकते हैं और स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं ब्लेंडर 2.83 में। चलें, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।